जी तो गुड मॉर्निंग, दिस इज इमरानुल हक विद अ न्यू रीडिंग video and now I have selected completing notes. I have made some more videos about completing notes or completing summaries, fill ups or fill in the blanks. So let's start. So you are need to read out the instructions first. Instructions are compulsory, you can see, compulsory, one word only. Okay, so don't use more than one word. Okay, so see this one, let's start. Okay, let's start. Okay, first of all, whenever you see completing summary, do it at first hand. Okay, because you want to boost your morale in the beginning to regain your confidence, and rest of the reading you can do in confidence. So Moore career as an artist. Okay, you see, let's start. So this is 1930. Moore's exhibition at the Leicester Galleries is criticized by the press. Okay, we check at the press, so you can see this. We'll see these things. First of all, okay, criticized, press. Okay, Moore urged to offer his and leave Royal College. Okay, 1930s. Okay, we'll check. Okay, okay ji, see this. There was he works with was enthusiastically welcomed by fellow sculptor, but the views in press were extremely negative. ये देखें, views in negative press were extremely negative. तो ये है जी, प्रेस में उसके खिलाफ क्या हुआ है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है ना जी, क्रिटिसाइज किया गया है. अब प्रेस की बात भी होगी, ये भी होगी. एग्जिबिशंस, अब मूर अर्ज टू ऑफर हिज, मूर्स के बारे में उस चाहा गया कि वो अपना दे दे एंड लीव द कॉलेज, और कॉलेज को छोड़ दे. अच्छा जी, क्या देगा वो, हम ये भी देखते हैं, देखें. अच्छा, एंड रिटर्न मूर इनटू अ नोटोरियस फिगर, ठीक है. और वो थोड़ा सा जो था उसकी जो रिप्यूट थी वो बुरी हो गई, ठीक है. देयर वर कॉल्स फॉर हिज, देयर वर कॉल्स, अर्ज किया गया उससे, कॉल्स फॉर, चाहा गया कि वो दे दे, ठीक है जी, चाहा गया कि वो दे दे, क्या दे दे. ही वॉज अर्ज टू ऑफर, देयर वर कॉल्स फॉर, अर्ज टू ऑफर, ठीक है. अच्छा जी, ऑफर क्या करे जी, वो देख लें जरा, ऑफर करे, कॉल्स, ये देख लें. There were calls for his resignation, उसने रेजिग्नेशन देना, ठीक है, ये वाली चीज़ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है. तो आप लिखें जी यहाँ पर रेजिग्नेशन, ये एक एक वर्ड का करके, ठीक है. मेरी कोशिश है कि एक एक वर्ड पे काम किया जाए, एक एक लाइन पे काम किया जाए, ताकि जो लोग ज़्यादा कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है जी. लेकिन इसके लिए सरनेम्स और दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं. अब 1940 की वो बात करता है, कहता है मूर टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज, वो ड्राइंग की तरफ चला गया बिकॉज फॉर स्कल्प्टर आर नॉट रेडीली अवेलेबल, कोई चीज़ है जो मुजस्मा साजी के लिए फ़ौरन अवेलेबल नहीं थी. तो हम देखते हैं जी कि कौन सी चीज़ उसके लिए अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, देख लें जी ज़रा. इन 1940 है, इन 1940, ठीक है. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मूर स्टॉप्ड टीचिंग, उसने स्टॉप कर दी, एंड मूव टू द फार्म हाउस अबाउट 20 miles. अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, अच्छा जी, शॉर्टेज थी मटेरियल की. फोर्स्ड हिम, मजबूर किया उसने, टू फोकस ऑन ड्राइंग. आप यहाँ से देख लेते हैं कि शॉर्टेज मटेरियल की थी, उसने उसको मजबूर किया कि वो ड्राइंग पर फोकस करे. अब मूर टर्न्स टू ड्राइंग, वो मूव कर गया जी, मूव कर गया, ये देखें, वो मूव कर गया वहाँ से ड्राइंग की तरफ बिकॉज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल फॉर डॉक्टर आर नॉट रेडीली अवेलेबल। शॉर्टेज नॉट अवेलेबल क्या चीज़ थी जी? नॉट अवेलेबल क्या चीज़ थी? शॉर्टेज। इसको वो कहेगा शॉर्टेज कहेगा जी, फिर शॉर्टेज ही कहेगा, ये उसने लिखा हुआ है शॉर्टेज। शॉर्टेज ये यहाँ पे आ शॉर्टेज, रेडीली नॉट अवेलेबल, आर नॉट रेडीली अवेलेबल। तो मटेरियल जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप मटेरियल्स ही लिखेंगे, ये ले, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइल विजिटिंग हिज होम टाउन मूर डज सम ड्राइंग ऑफ। जब उसने होम टाउन विजिट किया तो उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई। देखते हैं कि उसने किसकी ड्राइंग बनाई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे he did numerous small sketches of lanterns, later turning these ideas into color drawings in he returned to Castleford। यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है, 1942 he returned to Castleford, वो कैसलफोर्ड में चला गया, वो कैसलफोर्ड चला गया 1942 में। यहाँ पे लिखा है कि while visiting his hometown, क्या कैसलफोर्ड ही उसका होम टाउन है? ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे होम टाउन है, वहाँ पे कैसलफोर्ड है। तो अगर पहली ही लाइन में पढ़ा जाए तो देखेंगे हेनरी मूर वॉज बॉर्न इन कैसलफोर्ड, ये देखा इसका मतलब है ये उसका आबाई जगह है, तो वो वहाँ पे ही चला गया। तो ये चीज़ें कुछ याद करने वाली भी होती हैं, उनको आपने ज़रूर याद रखना होता है, ठीक है जी। वाइल विजिटिंग द होम टाउन मूर डज सम ड्राइंग ऑफ, उसने किस चीज़ की ड्राइंग की है, ठीक है। तो देखते हैं, मेक अ सीरीज ऑफ, ड्रॉ किया है, स्केचिंग ड्राइंग की है, ऑफ माइनर्स, किसकी की है जी? माइनिंग, माइनर्स की है। तो वो यहाँ पे भी यही कहता है, विजिटिंग वाइल विजिटिंग हिज होम टाउन मूर डज सम ड्राइंग ऑफ माइनर्स, ठीक है। माइनर्स जो कान में काम करते हैं, उनकी उसने बनाई है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, मूर एम्प्लॉयड अप टू प्रोड्यूस स्कल्पचर ऑफ, उसको एम्प्लॉय कर लिया किसी ने, ठीक है जी, उसको रख लिया किसी ने। तो हम देखते हैं यहाँ पे 1944 हॉलो अ टाउनियर ऑफर्ड मूर अ कमीशन, हाँ जी उसको एम्प्लॉय कर लिया किसी ने, ठीक है, फारा स्कल्पचर के वो खाका बनाए, डिपिक्टिंग उसमें बयान करे खाके में किसको? फैमिली को, ठीक है। तो हम देखते हैं ये भी कि मूर को एम्प्लॉय कर लिया कि वो डिपिक्ट करे, प्रोड्यूस है डिपिक्ट करे, ये देखें डिपिक्ट करे स्कल्पचर, मुजस्मे को, किसका मुजस्मा करना है जी? ये स्कल्पचर है। अब यहाँ पे देख लें, मूर स्कल्पचर और अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग, डिपिक्ट किसको करना है? डिपिक्ट है, तो वो देख लें एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस डिपिक्ट करे स्कल्पचर ऑफ आ, उसने वहाँ पे फैमिली लिखा है, तो आप फैमिली जो है वो लिख देंगे, ये लें। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टार्ट बाय मूर्स वर्क, स्टार्ट बाय मूर्स वर्क जी, तो क्या स्टार्ट किया है जी? मूर के वर्क को, ठीक है। हम देखते हैं जी, ठीक है, मूर के वर्क को स्टार्ट किया है। आप देखें, इन दिस वे मूर्स वर्क बिकेम अवेलेबल, मूर का जो वर्क था ना वो मुयसर हो गया किसको? कलेक्टर्स को, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब ये देख लें, तो अगर देखें स्टार्ट टू बाय मूर्स वर्क, तो स्टार्ट टू बाय ये अवेलेबल था, ठीक है जी, अवेलेबल हो गया, ठीक है। क्या अवेलेबल हो गया थी जी? वो देख लें जरा, ठीक है जी, ये वाली चीज, इन दिस वे मूर्स वर्क बिकेम अवेलेबल टू कलेक्टर्स, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड था वो उसमें अवेलेबल हो गया। वर्क जो था वो अवेलेबल किन के लिए हो गया जी? कलेक्टर्स के लिए। तो ये देख लें, कलेक्टर्स स्टार्ट टू बाय मूर्स वर्क, तो इसका मतलब है कलेक्टर्स जो थे उन्होंने उसका काम खरीदना शुरू कर दिया, ये कलेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, मूर्स इंक्रीज्ड मेक इट पॉसिबल फ्रॉम हिम टू डू मोर एम्बिशियस स्कल्पचर। देख लें जी ज़रा इसको भी अच्छी तरह से कि उसने इंक्रीज किया है, मूर्स इंक्रीज्ड, इंक्रीज क्या चीज़ हुई है? ये देखें इंक्रीज्ड है, बूस्ट है, बूस्ट हुई, क्या हुई है? उसकी इनकम बूस्ट हुई है, बूस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने इंक्रीज लिखा हुआ है, ये देखें इंक्रीज लिखा हुआ है, तो इनकम जो है वो उसकी इंक्रीज हुई है, ये देखें इनकम। मेक इट पॉसिबल फॉर हिम टू डू मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट, इसने उसको मुमकिन बनाया, काबिल बनाया कि वो और एम्बिशियस स्कल्पचर जो है वो बनाए जी। इनेबल्ड हिम, उसको बनाया, मेक हिम वर्क है ना जी, मेक इनेबल्ड हिम सो मेक इट पॉसिबल, ठीक है, टू डू मोर एम्बिशियस वर्क, तो क्या है जी, टू मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट। एम्बिशियस वहाँ पे स्कल्पचर है तो वहाँ पे एम्बिशियस वर्क्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था हमारे पास जो वन वर्ड था, मूर्स करियर एज एन आर्टिस्ट। तो जब भी आपने कंप्लीट द नोट्स, कंप्लीटिंग समरी और इस तरह की कोई फिलअप्स आ जाएं तो आपने ज़रूर ये चीज़ें मैच करनी है, ज़रूर सिनोनिम्स को देखना है, इसकी सेंस को देखना है, डेट्स को देखना है, जो आपके पास प्रॉपर नाउन्स हैं उनको देखना है, कीवर्ड्स, क्लू वर्ड्स, ठीक है। ये जब तक आप अपने माइंड में नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये इंतहाई आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप सब कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।